हेलो फूडीज, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ उपवास का ढोकला। ये ढोकला मैं बनाऊंगी समा के चावल से। आपको मालूम है इन चावलों का यूज़ जनरली हम लोग उपवास में ही करते हैं। ये चावल बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं और फाइबर से भरपूर होते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, ओबेसिटी और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों को कम करने में हमारी हेल्प भी कर सकते हैं। हमें अपनी डेली लाइफ में इन चावल का यूज़ करना चाहिए। इसकी बहुत सी डिशेस बनती है और इन्हीं चावल से मैं आज आपके लिए एक डिश बनाने जा रही हूँ, ढोकला। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो ये लाल सब्सक्राइब का बटन दबाइए, पास ही बेल आइकन के बटन को भी दबाइए। इससे मेरी रेसिपी के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेंगे और आप फ्री में मेरे वीडियोज़ को देख पाएंगे। पसंद आए तो थम्सअप ज़रूर दें। ढोकला बनाने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ समा के चावल का। इसे मोरधन, भगर, वरी, कोदरी कई नामों से जानते हैं। ये किसी भी ग्रोसरी शॉप पे इजीली मिल जाता है। यहाँ मैंने लिया है एक कप समा के चावल। ये देखिए, ये इस तरह दिखता है। आधा कप लिया है यहाँ पे मैंने साबूदाना। एक कप यहाँ मैं दही लिया है। एक चम्मच कुटी हुई यहाँ पे मैं हरी मिर्च ले लिया। एक चम्मच शक्कर लिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक रहेगा। और ढोकलों को फ्लफी बनाने के लिए मैंने आधा टीस्पून मीठा सोडा लिया है। और तड़के के लिए मैंने यहाँ लिया है थोड़े से कड़ी पत्ते, मिर्ची, जीरा और थोड़ा हरा धनिया। तो अब हमें क्या करना है, मोरधन और साबुदाने का एक फाइन पाउडर तैयार करना है। तो मैं इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेती हूँ। आप यहां देख सकते हैं कि देखिए मैंने मोरधन का कितना फाइन पाउडर तैयार किया है और साबूदाने का भी ऐसा ही पाउडर तैयार करना है। अब हम लेंगे एक बाउल। उस बाउल में लेंगे मोरधन का पाउडर जो हमने बारीक पीस रखा था, साबूदाने का पाउडर डालेंगे, उसमें एक चम्मच शक्कर डालेंगे, एक चम्मच हरी मिर्च का जो पेस्ट या हमने कूटा हुआ जो तैयार किया था वो डालेंगे, एक कप दही और थोड़ा सेंधा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। अब इस मिक्सचर को हम मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। इसका एक हमें अच्छा बैटर तैयार करना है। अब इस बैटर को 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से कवर अप करके रख देंगे और ज़रूरत होगी तो बाद में इसमें और पानी डालेंगे। करीब करीब 20 मिनट्स हो चुके हैं और जिस बर्तन में हमें ढोकले को स्टीम करना है उसे हम तैयार कर लेते हैं। एक कुकर लेंगे और इसमें थोड़ा पानी डालकर उसमें स्टैंड को कुछ इस तरह रखेंगे और कोई भी एक प्लेट जो आपके पास हो उसे इस तरह रख देंगे। इसके बाद कुकर का ढक्कन लगा कर उसकी सीटी निकाल देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए उसमें स्टीम बनने के लिए छोड़ देंगे। आप इडली स्टैंड का भी यूज़ कर सकते हैं, इस बैटर से आप इडली भी बना सकते हैं। और जिस बर्तन में हमको ढोकला बनाना है उसको भी ऑयल से इस तरह ग्रीस कर लेंगे। चलें अब बैटर को भी चेक कर लेते हैं। पूरे 25 मिनट्स हो गए हैं, बैटर कुछ इस तरह दिख रहा है। इसमें शायद पानी थोड़ा और डलेगा, हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे और इसे अच्छा सा सॉफ्ट एक बैटर तैयार कर लेंगे। देखिए हमारा बैटर अब परफेक्ट कंसिस्टेंसी का हो गया है। अब इसमें मीठा सोडा डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अब ये बैटर थोड़ा फ्लफी हो गया है, इसे तुरंत हम बर्तन में निकाल लेंगे। अब इस बैटर को 20 से 25 मिनट के लिए कुकर में स्टीम के लिए रख देंगे। मिनट्स के बाद ढोकला मैंने कुकर से निकाल लिया है। अब इसे ठंडा कर लेंगे 10 मिनट के लिए। जब तक ढोकला ठंडा हो रहा है हम तड़का बना लेते हैं। पैन में ऑयल डालेंगे 1 बड़ा चम्मच, कड़ी पत्ता, जीरा, हरी मिर्च डाल के उसमें थोड़ा नमक डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा तड़का तैयार हो गया है। ढोकला ठंडा हो चुका है, इसे डीमोल कर लेते हैं।
ढोकले को स्क्वायर पीसेस में इस तरह काट लेंगे और जो तड़का हमने तैयार किया था वो डाल के इसे हरे धनिया से गार्निश कर लेंगे। तो लीजिए, हमारा हेल्दी ढोकला तैयार है। इसे आप दही हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने उपवास की कड़ी भी बनाई है, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो प्लीज़ आप वहाँ से चेक करें और ये कड़ी ज़रूर बनाएं। ये ढोकले के साथ बहुत अच्छी लगती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।